मेरा नाम डॉक्टर एजाज अली हुआ, हम यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज आप 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से ये जन्मदिन को मना रहे हैं, तो आज का आपका जन्मदिन मनाने का क्या मकसद? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को बनाया जी, और समाज के सभी हिस्सों को उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया और उनको हक दिलाया। हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके जन्मदिन को हम भी मनावें, लेकिन पहली मर्तबा हम लोग यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर से यहाँ शामिल हुए हैं। हम लोग ने स्टॉल कायम किया है, बहुत से लोगों से हम लोगों की मुलाकात हुई है, सबों ने इसको सराहा है। हम लोग चाहते हैं कि देश में जितने शोषित लोग हैं, जब तक वो एक ताकत मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक देश में लोग जो सत्ता पर बैठे हुए आपको आपका अधिकार नहीं देंगे, हमेशा कटौती करते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने 3 डिसीजन लिए जिसमें दलितों पर अत्याचार हुआ है। जैसे एक प्रमोशन में हक काटा गया दलितों का, दूसरा है कि आरक्षण को 50% में ही सीमित कर दिया गया, तीसरा यह है कि अभी SC ST एक्ट में कटौती कर दी गई है। इस तरह से धीरे धीरे जुल्म हमारे भाइयों पर बढ़ता चला जा रहा है, हम पर भी वो जुल्म बढ़ रहा है। इसलिए जब तक हम लोग मिल के एक लीडर के अंडर में नहीं लड़ेंगे इस लड़ाई को, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारा तो कहना है कि एक देश, एक संविधान और एक नेता, डॉक्टर अम्बेडकर। सर, ये आपने नेता की बात कही, आप लीडर की बात कही, तो क्या अब ये समझा जाए कि दलित मुस्लिम एक हो गए हैं? कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सब अत्याचारी नारा लगा शायद मानवर कहाँ से राम साहब ये लगाया उन्होंने नारा, उस पर अब हम लोग अमल करने हाजिर हुए हैं। एक ही रहेंगे, और अब जब से SC एक्ट में जो कटौती हुई है उसके बाद से जितने दलित संगठनों ने प्रदर्शन किए हैं, हम लोगों ने भी उनके साथ प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने यही मांग किया है कि SC ST एक्ट में जो कानूनी प्रोविज़न था फिर से उसको लागू किया जाए, और यही नहीं, दंगे फसाद को रोकने के लिए SC ST एक्ट में माइनॉरिटीज़ को भी शामिल किया जाए, ताकि ये देश दंगा मुक्त हो जाए। एजाज जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, अगर 2019 का अब जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव को आप EVM मशीन से कराना पसंद करेंगे या बैलेट पेपर से कराना पसंद करेंगे? क्योंकि जब आप लोग हार जाते हैं तो मशीनों के अंदर कभी बताते हैं, मशीनों के अंदर गड़बड़ है, तो अभी तो आपके पास मौका है, तो इस मौके को आप कैसे बनाएंगे? देखिए, अभी तक जो फाइंडिंग है उसमें यही पाया गया है कि बैलेट पेपर के रिजल्ट सही होते हैं, EVM मशीन में गड़बड़ी देखी गई है। इसलिए देश का यही डिमांड है कि ईमानदारी से चुनाव हो, इसके लिए ज़रूरी है कि बैलेट पेपर को फिर से वापस लाया जाए, ताकि सही चुनाव हो, सही लोग चुन के आए। बहुत अच्छी बात, सभी की मांग यही है कि जो हमारे में भी जिन देशों ने बैलेट पेपर अपनाया था, उन्होंने वो मशीनें अपनाई थी, उन्होंने फिर दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव करने शुरू कर दिए हैं, और वो बैलेट पेपर का चुनाव इंसाफ का चुनाव होता और वो सही माना जाता, उससे कोई गड़बड़ी भी नहीं हो सकती, तो इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने अच्छा। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। आज जो दलित समाज और मुसलमान समाज को बंटवारे के काम कर रहे हैं लोग, तो आज हम लोग सभी मुसलमान चीखते हुए चिल्लाते हुए बताना चाहते हैं कि हम लोग सभी दलित भाई के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जो हम लोगों को बंटवारे के काम करने के लिए आगे आ रहे हैं और हम लोगों को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे से दिल में तफरका फैला रहे हैं, तो ये हम लोग का काम नहीं है। आज हम लोग मुसलमान भाई सभी दलित के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे मरते दम तक। मेरा नाम MD जुबैर जिलानी है। सर, आपका नाम? मैं मोहिबुल्ला नदवी, इमाम, नई दिल्ली, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस। सर, आप लोगों का ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि आज जो बहुजन के लोग, दलित लोग मिलकर और ये आज मुस्लिम समाज मिलकर बाबा साहब का जन्मदिन को मना रहे हैं। नहीं नहीं, पहली बार नहीं डॉक्टर साहब, तो ये तहरीक, ये मूवमेंट डॉक्टर एजाज साहब ने, जो हमारे पूर्व सांसद हैं, एक लंबे अरसे से चला रहे हैं। कितने साल से चला रहे हैं डॉक्टर साहब? 22 साल से चल रही है ये, लेकिन ये जो है अपने तरीके से कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन अब ज़रूरत ये हो गई थी कि जब हमारे दलित नौजवान बच्चों को जो देश का असासा है, जो देश का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उनको घोड़े पर चढ़ने से मार दिया जा रहा है, उनके बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे कि 2000-10000 साल पहले होता था, तब हमें निकल कर आना पड़ा मस्जिदों से बाहर, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दलित घरों में जाएंगे, उनके साथ खाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ में बिल्कुल मिलकर चलेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो ये है,
कि किसी पर ना हम सुन लेकिन ये हमारा जाना किसी के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के पक्ष में है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम देश के हक में करेंगे ऐसा। हम किसी को इख्तदार से बाहर करने और न करने का हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है कि दलित दलित है, चाहे वो किसी भी मजहब में जाए, किसी भी, वो पूरा बराबर का हमारे इंसान है। हमारा खून उसका खून एक है, हमारा और उसका सोचना बिल्कुल बराबर है। हम उसे जब कोई दलित हमारे बराबर में आता है, हम उसे रोटी और बेटी बराबर का सम्मान देते हैं। हम दिखावा नहीं करते, इस्लाम में दिखावा नहीं है। जब हम सीने से लगा रहे हैं तो ये कसम खा के कहते हैं कि हम दलितों के साथ रहेंगे, उनके साथ जिएंगे, उनके साथ मरेंगे, और उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार हुआ तो हम पहले मरेंगे। दलितों के साथ अत्याचार हुआ तो हम पहले मरेंगे। हर मस्जिद से दलितों के हितों में आवाज उठेगी और लोग वहां से उनके आरक्षण के लिए और उनके लिए अत्याचार के खिलाफ निकलेंगे उनकी हिमायत में। सर, बड़ी विडंबना की वाली बात है, जिस समय देश आजाद हुआ था या देश को आजाद करने जा रहे थे तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जब ये बंटवारा हुआ तो यहाँ के मुस्लिमों ने ना तो जिस समय बंटवारा हुआ था ना तो जिन्ना साहब की बात माने, ना अब्दुल गफ्फार साहब की बात माने। कहा जी हम तो यहीं पैदा हुए, हम भारत के निवासी, भारत में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी इन मुस्लिमों को कहा जाता है भाई आप लोग यहाँ के नहीं हो। देखिए, ये सब लोग नहीं कहते, कुछ लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपने स्वाद के लिए, ये बहुत थोड़े लोग हैं जो इस तरह से डिवीज़न की बात करते हैं। बाबा साहब ने जब अपना मूवमेंट शुरू किया तो सबसे पहले उनका साथ देने वाले, उनको बढ़ाने वाले, उनकी हिफाजत और रक्षा करने वाले वो लोग थे जो सच्चाई को पसंद करते हैं और सच्चाई के लिए लड़ना और मरना जानते हैं। सर, आज देश को आज़ाद हुए 70-72 साल हो गए, लेकिन आज भी वही जो पहले आपने बताया कि 30-35 साल पहले जो एक जातीय स्तर, अगर आप सांसद हो जाते हैं, आप विधायक हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके जो महामहिम हैं उनको भी दलित शब्द पहले लगाया जाता है फिर राष्ट्रपति कहा जाता है। ये बहुत छोटी मानसिकता की पहचान है। इंसान इंसान है, इंसान उसको कायनात में उस रब ने जिसने पैदा किया उसको ही छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए मुझे मस्जिद में ये कहा गया जाता है हम लोग को, ये कि एक साथ बिल्कुल एक कंधे से कंधा मिलाओ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, रोटी भी और बेटी भी बराबर का समझो। ये बराबरी जो है वो हमारा पूरा, हमारी जो ये डॉक्टर साहब ने मूवमेंट शुरू किया यही किया कि दलित इंसान है जैसे सब। लेकिन दलित क्यों, दलित वर्ड का यूज ही क्यों किया जाता है? दलित वर्ड का यूज ही लोग इसलिए करते हैं ताकि लोगों को इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करें, ताकि उनको जो है दबा कर रखे। अरे भाई, दलित वर्ड ही डिक्शनरियों से हटा दिया जाए, सब बराबर है। सर, इसका मतलब ये माना जाए कि दलित सब बढ़ा दिया जाए, मतलब दलित शब्द उस मानसिकता के साथ हटा दिया जाए जिस जो मानसिकता गलत लोग उसको बोलते हैं। तो सर, अभी नारा लगेगा बहुजन मुस्लिम करो विचार, कब तक देखिए। बिल्कुल 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 लगेगा, दलित बहुजन मुस्लिम जागेगा, चोट लुटेगा, बिल्कुल 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 लगेगा, ये तो लगेगा लगेगा भाई। देखिए, आज देश खतरे में, देश खतरे में है। मंदिरों में जाके 8-8 साल की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, नौजवानों को आज भी 2000 साल में ऐसा कभी हुआ था कि एक लड़का 21 साल का एक नौजवान लड़का अगर घोड़ा खरीद लाए और उस पर चढ़े सवारी करे तो उसको मार दिया जाए कि तुम्हें अधिकार नहीं है, अगर वो बारात में उसमें वो चढ़ने लगे तो नहीं तुम्हें अधिकार नहीं। अरे भाई, किस संस में, एक तरफ तुम इख्तदार के लिए उनको सीने से लगा रहे हो और फिर बाद में उनको हटा दे रहे हो, ये क्या है? ऐसा नहीं होने देंगे। मुस्लिम समाज से मैं तो देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि उन लोगों को जो अत्याचार सैकड़ों साल से सह रहे हैं उनके हक में सब लोग हो जाएं, सब लोग हो जाएं।